आसमा कचूलू तितली बनुडू या इलाइट्रा। भाई मेरी विदर की फौज पूरे ड्रैगन के पीछे पड़ गई, देख रहे हो तुम लोग? तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोग का शुभ बेस्ट में। और आज मेरे दोस्त जैक ने मुझे एक ऐसे वर्ल्ड का पता बताया जहां पर मॉब्स तुमसे ट्रेड करते हैं। भाई मजाक से हटके, भाई तुमसे एक सुअर से लेके अंडर ड्रैगन तक ट्रेड करता है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है आज की वीडियो। जिसने भी लाइक नहीं करी लाइक कर दे, 100K लाइक का गोल लगा रहा है तुम्हारा भाई। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा गाइस, 3 मिलियन भी देखने यार एक दिन, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वो ब्रांड न्यू वर्ल्ड में जहां पर यार मॉब्स हमसे ओपी आइटम ट्रेड करते हो। ओके भाई मैं अभी इसमें हाथ मारने वाला, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को और था कि पहला मॉब अगर हम लोग बी टेस्ट करें, क्या बीस तुमसे ट्रेड करती हैं? ओ मेरी मधुमक्खी, क्या तुम मुझसे ट्रेड करोगी? रुक जाओ, इसको मेरे को पहले कोने पे लेके आना पड़ेगा, वरना ये मुझे कुछ नहीं देने वाली है। इधर आ जाओ, आ जाओ, देखो देखो मेरे हाथ में क्या है बेटी, आ जाओ बेटा, इधर आओ बेटी। देखो दोस्तों, ऐसे करके तुमको कोई कभी लॉलीपॉप या फिर चॉकलेट का वास्ता देता, ऐसा आना नहीं है, ठीक है ना? मैं तो बस दिखा रहा हूँ फॉर सेफ्टी पर्पज ओनली। चलो देखते हैं गाइज क्या बीज ट्रेड करती हैं, प्लीज कुछ ओपी है क्या? लेविटेशन 3, पोर्शन ऑफ लेविटेशन 3 एक एमरल्ड में। पर मैं एमरल्ड कहां से लाऊंगा यार? भाई एमरल्ड अगर तुम लोग खुदाई करने जाओगे तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ढूंढने। मजाक से हटके, मजाक भी नहीं कर, सच्ची में भाई एमरल्ड अगर तुम लोग ढूंढने जाओगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, पता नहीं, लेकिन कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जितने ज्यादा भाई मॉब्स हो सकते हैं उनसे जाके देखते हैं कि हर कोई तो एमरल्ड में ट्रेड नहीं कर रहा होगा ना भाई, कुछ कुछ ही कर रहे होंगे। ओह मेरे को एक स्क्विड दिखा है, लेट्स डू दिस। ओके मेरे को एक स्क्विड दिख रहा है, तो हम लोग स्क्विड से भी ट्रेड करें। भाई हम लोग हर एक चीज से ट्रेड करेंगे, तुम लोग टेंशन मत लो, हर एक चीज देखेंगे आज हम लोग कि हम लोग किस चीज से ट्रेड कर सकते हैं, किस चीज से नहीं, ठीक है? तो ये करते हैं, सबसे पहले अपने लिए एक एक्स बना लेते हैं, बस हो गया, एक हथियार और एक खोदने वाला हथियार। चलो जाके देखते हैं, मेरे को एक स्क्विड दिखी थी वो रही। एक मिनट यार, स्क्विड क्या मछली अभी तो है, लेट्स गो। पहले स्क्विड को देखते हैं, वाटर बकेट दे रही है 3 एमरल्ड में, लेकिन एक्चुअल में ना जो फिशर होता है वो 3 एमरल्ड में ही देता है, तो ये तो कुछ ऐसा ओपी नहीं है। पर हाँ एक स्क्विड दे रही है, वो थोड़ा सा ओपी हो रहा है। और बाकी देखते हैं मछलियां क्या ट्रेड करती है तुम लोगों से। सैल्मन मछली दिख रही है मेरे को, प्लीज कुछ ओपी दे रहे हो क्या? क्या करूंगा मैं इसका, सी पिकल का है, घर सजाऊंगा अपने। ओ मुर्गी, ओ भाई मुर्गी एरोस दे रही है, तुम समझ रहे हो? मतलब मेरे को ना थोड़ा बहुत कनेक्टेड लग रहा है हर एक चीज। जो बी होती है वो उड़ती है तो वो हमें लेविटेशन दे रही है, ठीक है? मुर्गी के पास फेदर होते हैं जिससे एरोस बनते हैं, तो वो फेदर मतलब एरोस दे रहे है। और गाय क्या दे रही है? शार्पनेस 10, नॉकबैक 10, बॉटल ऑफ एंचांटिंग, मतलब कि तुम्हें सामान भी मिल रहा है जो तुम्हें लगाना है, और उसके ऊपर से जो चीज लगाने में काम आएगी वो भी दे रहे हैं। भाई शार्पनेस 10 और नॉकबैक 10, अरे गाय का बच्चा बड़ा भी हो गया मेरे सामने। भाई ये बहुत ओपी चीज है, बट हम लोग को देखना पड़ेगा कि एमरल्ड, ओके गाइस हम लोग को देखना पड़ेगा कि एमरल्ड हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो मुझे वो भी दिख रहा है कि एमरल्ड हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। ओ हम लोग को रास्ते में एक शिप भी दिखी है, क्या शिप भी ट्रेड करती है? आए हाय सुपर TNT, ओके मेरे को लगा पहले नॉर्मल TNT, लेकिन सुपर TNT दे रही है। ए और गाइस क्या अलग अलग, एक मिनट रुको, एक मॉब, अच्छा हाँ मेरे ख्याल से एक मॉब एक ही टाइप की चीज में ट्रेड करता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइप के मॉब, मतलब समझ रहे हो? एक काऊ है तो वो कितने भी काऊ से जाकर ट्रेड करोगे तो वो एक ही चीज देगी, ये सबसे खतरनाक चीज है। और ये पहला स्पीड रन है जिसमें एक्चुअल में 8 स्टिक के बदले में 1 ब्लॉक ऑफ एमरल्ड, 2 एमरल्ड के बदले में एंडरपोल। भाई एंडर पर्ल्स फ्री के मिल रहे हैं, हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसका मतलब जाने की तो जरूरत पड़, भाई ब्लेज रॉड तो नहीं दे रहा होगा ना कोई, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा, बट स्टिल ब्रो एक पूरा एमरल्ड का ब्लॉक दे रहे सिर्फ 8 स्टिक्स में लकड़ी लेके। भाई तुम तो बड़े ही समझदार आदमी लग रहे हो भाई, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो गाइस हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ढेर सारी स्टिक्स बनाते हैं और इन लोगों से ढेर सारे एमरल्ड के ब्लॉक लेते हैं, ताकि हम लोग कहीं से भी कभी भी ट्रेड कर पाए, क्योंकि हर एक मॉब, ओ एक मिनट, ओह सुअर के, अरे भाई गोल्डन कैरेट 2 एमरल्ड के बदले में। भाई हम लोगों को एमरल्ड जमा करने हैं, बस ढेर सारे एमरल्ड जमा करो और उसके बाद मस्त करके कमाओ, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ढेर सारी स्टिक्स जमा करते हैं और जितने ज्यादा हो सकते हो तो ज्यादा एमरल्ड लेते हैं लोगों से। तो
तो गाइज हम लोगों के पास फाइनली भाई 4 स्टैक हो चुका है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वो विलेजर ढूंढते हैं जिससे हम लोग ट्रेड करने वाले थे। अरे कहाँ चले गए भैया, ये रहा, यहीं पे बैठा भाई ये। तो इससे हम लोग लेते हैं जितने ज्यादा हो सकते हैं ब्लॉक ऑफ एमरल्ड्स। भाई साहब यार देख रहे हो तुम लोग, 32 ब्लॉक ऑफ एमरल्ड, जिसको अगर हम लोग ये खोलेंगे तो हमारे पास आ चुके हैं पूरे 5 साढ़े 4 स्टैक हम लोगों के पास आ चुके हैं एमरल्ड। सबसे पहले तो हम लोग इससे एंडरपल्स ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग कितने चाहिए, एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, हमें छोटू हमको 16 एमरल्ड्स दे दो, सॉरी एंडरपल्स दे दो हमें 16 दो स्टैक ले लिए गलती से, ध्यान नहीं रहा, तो ये कर लेते हैं। और बाकी यार मुझे भूख भी लग रही है, तो हम लोग थोड़ा बहुत खाने पीने का भी यार देखो बंदोबस्त रखते हैं अपना, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ना भाई, सुनो, हम लोग ना चलते हुए खाने पीने का सामान पूरा तैयार रखते हैं, तुम समझ रहे हो, मतलब हमारे वहाँ क्या होता है ना भाई, ठीक है भाई, मत सुन मेरी, मत सुन, आगे जाके पानी में देखा दोस्तों, जो दूसरों का बुरा करता है उसके साथ खुद ही बुरा होता है। तुम लोगों को लेसन दे रहा था, मैं गिर के नहीं गिरा हूं यहां पर। तो गाइस यार सबसे मस्त चीज है कि यहां पर ना एक ये है, स्मिथ है, देखते हैं वेपन स्मिथ में अगर कुछ हमें सामान मिल जाए। भाई साहब आए हाय क्या ही कहूं मैं, वामुनी भाई, हम लोगों को सीधे आर्मर मिल चुका है, आयरन की स्वॉर्ड मिल चुकी है, कुछ क्रेजी नेक्स्ट लेवल चीज हो रही है। पर हम लोगों को चाहिए जो मेन बंदा, वो नहीं दिख रहा यार हम लोगों को, यार थोड़ा बहुत आयरन भी चाहिए होगा ना, और ये तो मेरे ख्याल से नॉर्मली ट्रेड करेंगे राइट, हाँ ये तो नॉर्मली ट्रेड कर रहे हैं, बट यार जो हम लोगों को मेन बंदा है ना वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, आयरन गोलम, ओ दिख गया, ओके प्लीज भाई बोल दे कि तू भी कुछ क्रेजी ट्रेड करता है, वरना तुझे मुझे मारना पड़ेगा। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं तुझे मारना नहीं चाहता मेरे दोस्त, तू मेरा प्यार है यार, तू बात तो सुन ले, बात जा कहाँ रहे यार, इधर तो आ यार। ओके दोस्तों एक एनविल ले लेते हैं, जो गाय से हम लोग बुक्स लेंगे खतरनाक वाली, वो कहीं तो लगानी पड़ेगी, और बाकी इससे हम लोग ढेर सारा आयरन ले लेते हैं, अपने लिए आयरन का पूरा आर्मर बना देंगे, ठीक है, खतरनाक वाला आर्मर बनाएंगे, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और बाकी देखते हैं, मेरे ख्याल से मैंने सारे मॉब्स अभी के लिए तो आसपास के चेक कर लिए राइट, और ये बारिश रुकेगी नहीं जब तक मैं सोऊंगा नहीं, तो मेरे को एक बार जाके सो के आना पड़ेगा। और मुर्गियों कैसी हो, तुमसे भी अभी मैं खरीदूंगा ठीक है कुछ सामान, थोड़ा हटना भैया सोने दे दो आज के लिए। तो गाइस हो चुकी है नेक्स्ट गुड मॉर्निंग, और उसी के साथ साथ जा चुकी है पूरी की पूरी बारिश भी भाई फाइनली, वरना पीछे से चिरमी 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 चलते रहते ना भाई, इतना इरिटेटिंग हो जाता है ना, पता नहीं कैसे लोग यार, बहुत सारे लोग मैंने ये देखे हुए जो सोते समय ऐसे सुनते हुए चलते, पता तुम लोगों को इसको, मतलब ऐसे उनको बहुत सुकून मिलता है, इसे ASMR हो जाता है उनको, पता नहीं कैसे, पर ठीक है, मतलब अपनी अपनी चॉइस है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग अपने लिए सबसे पहले ढेर सारी ब्रेड्स बना लेते हैं, क्योंकि देखो एक टाइप का फूड सोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई एमरल्ड यार देखो फ्री में पेड़ में तो उग नहीं रहे ना, एक तरह से, मतलब अभी रुको जरा, थोड़े से एमरल्ड्स ही होंगे, तो ये मैं अगर ये एरिया काट दूं तो लिटरली पेड़ एक तरह से पेड़ पे ही उग रहे हैं एमरल्ड देखा जाए तो, स्टिक के बदले में एमरल्ड कौन देता है भाई, इतना बेवकूफ भी नहीं होना चाहिए ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ना स्टिक बनाने का मन नहीं कर रहा, मतलब स्टिक से टूल्स बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तरह से तुम सोचो तो हम लोग एमरल्ड्स गिव अवे कर रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत उपयोगी चीजें ले सकते हैं, बट कोई बात नहीं, इसकी जरूरत है ठीक है, तो ये कर लेते हैं। और बाकी अपने लिए एक आर्मर बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले पूरा का पूरा, हम लोगों के पास आर्मर तो पूरा हो चुका है, हमारे पास खाने पीने का भी बहुत सारा बंदोबस्त है, अब हम लोगों को बस थोड़े और मॉब्स ढूंढने जिनसे हम लोग ओपी ट्रेड कर सकते हैं, और खास करके हम लोगों को अब थोड़े हॉस्टाइल मॉब्स देखने पड़ेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे ये मुर्गी वुर्गी तो ठीक है भाई, ये तो सब अच्छे मॉब्स है राइट, लेकिन अब हम लोग ज़ॉम्बीज और इन सब में भी देखेंगे, जो कि हमें खतरनाक खतरनाक चीज़ देंगे और बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे। पर यस मैं भूलने वाला था गाइज, एक काम करते हैं ढेर सारे और एमरल्ड जमा करते हैं जस्ट इन केस, क्योंकि हो सकता है हमें आगे जाके विलेज ना मिले, और फिर हम लोग कहाँ से ट्रेड करेंगे, हमारे पास एमरल्ड्स कहाँ से आएंगे, तो इसलिए हम लोग ये चीज़ करते हैं कि हम लोग ना अभी सारे विलेजर्स से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एमरल्ड्स लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। गाइस 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 मेरे को एक एंडरमैन दिखा है, प्लीज बोल, लूटिंग 10 ओके भाई, टाइम रहते ले ली मैंने उससे, खिसकाली बुक भाई साहब, लूटिंग 10 और वो देते गायब भी हो गया भाई, गजब यार ये तो नेक्स्ट लेवल ही हो गया। रुको एक बेड रख लेते हैं अपने साथ, क्योंकि दोबारा बारिश हुई तो यार मेरे से तो कान में झिनझिन झिनझिन झेला नहीं जाएगा। और बाकी एक काम और करते हैं, हम लोग ना जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा और स्टिक्स बना लेते हैं, ताकि हम लोग ढेर सारी और ट्रेड कर सकें। दोस्त मैं तेरे को थोड़ा सा तेरा ये तोड़ना पड़ेगा ठीक है, आई एम सॉरी यार,
करना पड़ेगा यार। तो हम लोगों को एक नॉर्मल विलेजर ढूंढना पड़ेगा। ये तो अपना वो है, क्या कहते उसे, ए इसको क्या बोलते थे, मैं भूल गया यार, रुको एक मिनट मैं चेक नहीं करूंगा, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा यार इसको क्या बोलते, एल्केमिस्ट क्या बोलते थे इसको यार, कब से मेरा बहुत मन कर रहा है राइट क्लिक करने का, पर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इसको क्या बोलते थे, मैं भूल गया यार इसको, कुछ तो क्रेजी बोलते थे यार, मैं भूल गया, ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच्ची में भूल गया हूँ। पर हम लोग को एक नॉर्मल विलेजर ढूंढना है अभी के लिए, ताकि हम लोग उससे एमरल्ड दे सके, लेकिन सच्ची बताओ तो मुझे कहीं पे भी अरे यार ये बंदा लिटरली भाई जम गया है, इसको ये वाला वो चाहिए, जॉब ब्लॉक चाहिए, बट ये पहुंच नहीं पा रहा है उस तक का, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को तो चाहिए आपसे सर थोड़ा सामान, तो वो ले लेते हैं हम लोग। देयर वी गो, हम लोग के पास आ चुके हैं बहुत सारे एमरल्ड्स, ठीक है मजाक से हट के, बहुत हद्दी में एमरल्ड हो गए, मेरे को लगता है इससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो चलो चलते हैं और मॉब्स ढूंढते हैं, और उनसे एक मिनट स्क्विड भैया एक बाल्टी कितने की दी आपने, ओके थैंक यू, 3 एमरल्ड्स, थैंक यू, रख लीजिए यार, और थोड़ा एक मिनट रुको ये लो, ठीक है बच्चों को टॉफी खिलाना आज, चलो चलते हैं भाई फटाफट से और ढूंढते हैं भाई और मॉब्स को, ताकि हम लोग उनसे और तगड़ी तगड़ी चीजें ले सके। पहले तो सबसे पहले तो हम लोग को गाय से ट्रेड करना है भाई, भाई भाई रुको रुको भाई, और मॉब्स के पास क्यों जाएं, सबसे पहले हम लोग को गौ माता से ट्रेड करना पड़ेगा। कहां गई, देयर वी गो, शार्पनेस 10, नॉक बैक 10, ढेर सारी वर्ड लव एन्चेंटमेंट भाई, वो भी तुम लोग एक चीज ध्यान दो, एक एमरल्ड में भाई भाई बुरा लग रहा है भाई, मैं गौ माता को लूट रहा हूँ एक तरह से भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए मैंने भाई, रुको यार मैं थोड़े और एमरल्ड गिरा देता हूँ, ठीक है गौ माता बुरा मत मानना यार, तुम ये लो यार थोड़े एक अंदर को आ नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि मैं ही रख लेता हूँ अभी के लिए, हैं आपके एमरल्ड मैं संभाल रहा हूँ अभी अपने पास हैं, चलो। और उसके बाद हम लोग को ये देखना था कि ये पिग से हम लोग को थोड़ा सा और खाना, एक काम करते इसको एक स्टैक कर देते बस, ठीक है बेस्ट हो गया, और हम लोगों को अपना ये यार थोड़ा सा कूड़ा भी गिराना था, देर विक गो, और हम लोगों को ट्रेड करना था इससे सुपर बूम TNT ना, ये क्या चीज़ है इसको भी ले लेते ना, ढेर सारे TNT भी लेके चलते हैं, कुछ तो खतरनाक कर ही देंगे, और इससे हमने खाना ले लिया है और गौ माता से हमने हमारा सामान ले लिया है, तो हमारे पास एक बढ़िया स्वॉर्ड बनाने का पूरा इंतजाम है, जो कि हम लोग गारंटीड करेंगे, हमने इससे एनवेल भी ले लिया है, और अपने पास बॉटल ऑफ एन्चेंटमेंट भी पड़ा हुआ है 2 स्टैक में, मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर बाय चांस ज़्यादा चाहिए होगा ना, तो उसके लिए हम लोग देख लें। अब हम लोग निकलते हैं गाइस, देखते हैं अगर हम लोगों को और मॉब्स दिखते हैं, खास करके थोड़े हॉस्टाइल मॉब्स, मतलब कि जो हमें मारने को दौड़ेंगे भाई, अगर हम दिख गए तो वो भी कुछ ना कुछ ट्रेड कर रहे होंगे, तो उनको ढूंढने की ट्राई करते हैं, कुछ क्रीपर या फिर कुछ ऐसा क्रेजी मिल जाए ना भाई, और वो लोग क्या ट्रेड करें, मेरे को सच्ची में देखना है एक बारी कि ऐसा क्या दे रहे होंगे ये लोग। तो गाइज मेरे को ना कुछ उस साइड हॉर्सेस दिख गए, तो एक काम करते हैं पहले वो हॉर्सेस से देखते हैं क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस साइड जा रहा था, मेरे को लगा क्या पता लामा मिल जाए, तो लामा भी कुछ क्रेजी ट्रेड कर सकता है, और बाकी केव तो मिल ही जाती, तो चलो चलते हैं पहले हो। भाई घास खा के एमरल्ड के बदले में तुम डायमंड देते हो, तुम तो यार भगवान से कम नहीं हो दोस्त, पहले मुझे तो 25 फॉर माय आर्मर, और उसके बाद मुझे देना कम से कम 3 फॉर माय एक्स, 3 फॉर माय पिकएक्स, देन आई हैव अ स्वॉर्ड, देन आई हैव दिस एंड दैट, तो कहीं कहीं पे मोटा मोटा मेरे को एक काम करिए 50 डायमंड्स दे दीजिए सर, थैंक यू सर, वेरी गुड ट्रेडिंग विद यू, यू आर वेरी कूल, एक एमरल्ड के बदले में एक डायमंड, तुम्हारे जैसा दोस्त भगवान सबको दे, पक्का घोड़े हो ना तुम, गधे तो नहीं हो, ओ दोस्त तुम पक्का घोड़े हो, नहीं कहा उसने, उसे खुद पक्का नहीं है कि उसके वो घोड़ा है कि नहीं, उसने सर हिलाई, उसने मुंडी हिलाई है मेरे सामने, ठीक है मेरे को मत बोलना बाद में, मैंने नहीं बोला उससे कुछ भी भाई, उसने खुद मुंडी हिलाई, उसको खुद नहीं पता कि वो गधा है कि घोड़ा, हरकतें तो गधे जैसी है पर दोस्त है मेरा। तो गाइज हम लोगों की ओपी स्वॉर्ड तो बन चुकी है, जो कि हम लोगों को लिटरली गाय और लूटिंग हमको शायद से वो देखे गया था, एंडरमैन देखे गया था, तो उनसे बन चुकी है, बट हम लोगों को ना एक चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा, हम लोगों को अगर और गाय दिखती तो हमें हमको गाय दिख चुकी है, तो हम लोगों को उनसे सबसे पहले यार वो खरीदने पड़ेंगे, और ये हमारी बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ ख़त्म हो रही भाई, पता गौ माता कोई रिफंड, रिफंड तो नहीं मिलता है लग रहा है ज़्यादा ही खरीद लिए कुछ,
गाइस यार हम लोगों को फाइनली ग्रेवल मिल गया। तुम लोग सोच रहे हो मैं ग्रेवल क्यों देख रहा हूँ, भाई एक्चुअल में ना तुम लोगों को अगर देखा होगा हम लोगों ने ये जो था क्या कहते हैं सुपर टीएनटी, ये सुपर टीएनटी तो ले लिया पर हम लोगों ने इसको अभी तक टेस्ट नहीं करा। तो एक बार आ गया फ्लिंट भी आ गया, देयर वी गो, ग्रेवल फेंक देते हैं, अपने पास स्टील पड़ाई हुआ है तो मस्त करके फ्लिंट एंड स्टील बनाते हैं, देयर वी गो। और अब ये बम को लगाएंगे आग, देयर वी गो दोस्तों, ये लो और छस, आओ देखते हैं इससे क्या होता है सुपर टीएनटी। मेरे ख्याल से ये डबल काम कर रहा है एक नॉर्मल टीएनटी का भाई। भाई ये सही में सुपर टीएनटी है, तुम लोग देख रहे हो ये डबल काम कर रहा है एक नॉर्मल टीएनटी के। वो देखो दो टीएनटी आ रहे हैं एक का। रुको मैं देखता हूं फिर से चेक करेंगे ठीक है। देखो एक टीएनटी के रास्ते में दो टीएनटी बन रहे हैं भाई, मैं तुम्हें बता दूं। अरे यार रुको, ज्यादा ऐसे बताते बताते पास भी नहीं जाना था ना भाई, ये क्या सही चीज है यार, एक के दो भाई। यहां तो आओ जरा थोड़े और दे दो भाई, एक स्टैक तो ये भी रखूंगा मैं। देखो ड्रैगन को आज टीएनटी टीएनटी बजाएंगे, सोचो ड्रैगन के चारों तरफ अगर हम लोग 10 टीएनटी भी रख लेते तो उसको 10 नहीं उसको 20 टीएनटी बजेंगे भाई। ये 3 रख लेना, वापस किसी और को भेज देना ठीक है। मैं ओ भाई साहब ये क्या सही जगह है रे गाइस, इसी साइड को ये वाला साइड, ये देखो ये पूरा का पूरा स्वैम्प बायोम है, ये बैडलैंड्स आ गया, उस साइड को विलेज था भाई, ये क्या बायोम है अलग ही बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। ये देखो पूरा बैडलैंड्स है पीछे को, और भाई बिल्कुल सही जगह है क्योंकि बैडलैंड्स में अगर तुम लोगों को पता होगा गाइस तो बड़ी इजीली मिलती है यार ये माइनशाफ्ट ये सारी चीजें, तो जितने भी मॉब्स है जो खतरनाक मारने जानलेवा हमले वाले मॉब्स जो होते हैं वो सारे के सारे यहाँ बहुत इजीली मिल सकते हैं, तो हम लोग उनसे ट्रेड करके देख सकते हैं कि आखिर वो सारे क्या दे रहे हैं। हमको क्रीपर देखना है, स्केलेटन देखना है, ज़ॉम्बी देखना है, सिल्वर फिश देखनी है, सिल्वर फिश तो क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड में मिलेगी, बाकी पता नहीं क्या क्या देखना है भाई, हम लोग को बहुत सारे मॉब्स देखने हैं, बस यार मिल जाए कहीं मेरी जुबान ना लग जाए, काली की बड़ी आसानी से मिल जाता है और फिर मिले ही ना। ओ दिख गया गाइस मेरे को, वो देखो हम लोगों को माइंड शाफ्ट भी मिल चुकी है फाइनली ब्रो, लेट्स गो भाई, मेरे को सच्ची में ओ एक मिनट ये डेजर्ट है राइट भाई, अगर खरगोश दिखेगा ना भाई मेरे को खरगोश से भी ट्रेड करके दे। मेरे को एक्चुअल में सारे मॉब्स को टेस्ट करना है सिर्फ कि यार वो लोग एक्चुअल में दे क्या रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कहीं पे आसपास खरगोश है क्योंकि मेरे को अभी तक का ना आवाज़ आई है और ना ही मेरे को कोई खरगोश दिखा है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ खरगोश वरगोश ट्रेड करेगा, बट ठीक है हम लोगों को जो मेन चीज ये थी वो हम लोगों को मिल चुकी है और वो है ये खतरनाक वाली केव, लेट्स सी ब्रो। अरे यार रोशनी का भी तो मुझे और ओह भाई वहाँ चेस्ट भी है, दे दो, वेरी गुड, स्टिक्स दे दी है आपने सर जी, और कोल है क्या, कोल कहीं पे कोल दिख रहा है क्या, ओए बंद करो इसको, चलो अंदर, कौन कर रहा हुआ हुआ कौन कर रहा है अरे यार। और बाकी गाइस मैंने तुम्हें लास्ट वाले कमेंट भी देखे थे, तुमने बोले थे कि एक्चुअल में जो पम्पकिन पाई होती है वो बेटर होती है इससे, बट मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ ठीक है, मे भी तुम लोगों को ना पता हो, तो सैचुरेशन जो होता है ना, सैचुरेशन वो चीज़ होती है कि तुम्हें कितनी जल्दी भूख लगती है दोबारा से, तो वो बेटर होती है इसकी, और एचपी भी तुम्हारी ज़्यादा जल्दी बढ़ानी है अगर तुम लोगों ने कभी फाइट करना है ये सब चीज़ें करनी ना, तो एचपी तुम्हारी ज़्यादा जल्दी इसी से बढ़ती है, क्या कहते हैं गोल्डन कैरेट से। और मुझे एक भैया की आवाज़ तो आ रही है, पहले हम लोग ये कोल निकाल लेते हैं बस ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल में थोड़ी बहुत टॉर्चेस बनानी पड़ेंगी, और ये पोटैटो का तो बहुत ही ज़्यादा काम होगा ना मेरे पास, बहुत ही बढ़िया, लाओ ये कर देते हैं हम लोग, देयर वी गो, और इसको अपने ऑफ हैंड में रख लेते हैं, और अब तुम्हें ले चलता हूँ मैं, आ जाओ दोस्तों। ओ भैया ट्रेड करोगे क्या, पावर 10 फ्लेम 10 इन्फिनिटी 10, हम लोग को सिर्फ एक एरो और एक बोच ही होगा यार, इसको बंद कैसे करूँ, लेकिन मैं रुक जाओ इसको बंद करना पड़ेगा। अरे यार अरे अरे कोई और भी है क्या, अरे यार दो मिनट रुक जा भाई, तेरे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं धूप से, अरे धूप से बचा रहा था यार इंदु, चल भाई यार भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ओए हाय बचा दिया है क्रीपर जो मैंने, भाई क्रीपर इतने नंगे क्यों होते हैं भाई मुझे बस बता दो यार, इतने गंदे होते ना क्रीपर भाई, मजाक से हट के भाई, उसने ऑलमोस्ट मेरा इतना मुश्किल से पकड़ा हुआ स्केलेटन जो कि नहीं पकड़ा है मैंने, एक मिनट यहाँ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ भाई, इससे लेते पावर 10 फ्लेम, दोस्त एक मिनट रुक जा मर जाऊंगा यार, फ्लेम 10
और इन्फिनिटी टेन। भाई मैं मर जाऊंगा सही में भाई, मेरे पास डायमंड का आर्मर है ठीक है, पर पता है क्या होगा, ये बार बार मारते रहेगा ऐसी और मैं लपक जाऊंगा। ठीक है तो ये हो गया, अब हम लोग एनविल रख सकते हैं, लेकिन एनविल क्यों रखें, रुको जरा, हम लोगों को यार ये इतनी सारी वर्ड ऑफ एन्चेंटिंग है ना, पहले एक काम करते हैं थोड़ी मार लेते हैं अपने ऊपर। मेरे को एक क्रीपर दिखा था, देयर वी गो, क्रीपर दिख रहा है अभी भी। ओह वो मकड़ी की भी आवाज आई यार, मुझे ना थोड़े से और बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, मैंने अपनी वो छोड़ के गलती करी, मैं अगर ये कर दूं तो। अरे यार मुझे यार बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, मैं इनको ऐसे नहीं बंद कर पाऊंगा, रुको जरा गाइस, चलो यार ट्राई करते हैं ढूंढने। ओके ज़ॉम्बी की आवाज आई क्या यहाँ पर, ओहो छोटू लाल, ए नहीं 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 नहीं, ओ ये क्या है, चेस्ट, ओके चेस्ट के अंदर सिल्क पैच। यू मस्ट बी किडिंग मी सर, यू मस्ट बी किडिंग मी, आपको लगता है मैं सिल्क टच के लिए आया हूँ यहाँ, नहीं 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 बगो नहीं सर, इधर आओ छोड़ू, ओए ओए इधर, अबे तू नहीं भाई यार, तू नहीं यार, तू फटने को तैयार हो जाता है यार, इससे कैसे ट्रेड ले हम लोग, मेरे को खाली चेक करना है एक बार। भाई ये रॉकेट ट्रेड कर रहा है, अगर ये रॉकेट ट्रेड कर रहा है तो कोई ना कोई इलाइट्रा जरूर ट्रेड करेगा, और भाई अरे आयरन का इंगेट छी रे, हट हट, जाके बात करियो गोलम से, अरे तू हट जा यार, अरे ये लोग, अच्छा ओके क्या कहते से ये लोग, भाई लिटरली तुमने देखा भाई, मुझे चाहिए वो कहाँ गया, मुझे उससे कम से कम नहीं भी तो एक, ओके एक और चेस्ट है, अबे यार मेरी किस्मत ही खराब है यार, वरना एक और चेस्ट है, लेकिन मेरी किस्मत अभी भी खराब है, वरना एन्चांटेड गोल्डन एप्पल, नहीं तो एक गोल्डन एप्पल तो मिलना ही था यार। पर हम लोगों को यार फिर भी क्रीपर से ट्रेड करना है गाइस, हम लोग एक स्टैक अपने पास फायरवर्क तो गारंटीड रखने वाले ब्रो, जस्ट इन केस अगर बाय चांस होता है, और बाकी एक बढ़िया सी बो बनाने के लिए हमको थोड़े बहुत ये भी रखने पड़ेंगे, मेरे ख्याल से ये हम लोग छोड़ सकते हैं अभी के लिए, यू नो। तो गाइस मेरे को अब क्या करना पड़ेगा ना, मेरे को एक क्रीपर के पास फट से जाके बूम, देखा देखा तुम लोगों ने कितने तेज किया मैंने काम, भाई मैंने उससे 42 वो निकाल लिए, और उसने मेरे को डैमेज भी दिया, बट अपने पास तो गोल्डन कैरेट है, हेल ही बढ़ जाएगी एचपी, और इन सबको मार देंगे हम लोग, हम लोग खाली एक और क्रीपर से ऐसी वाला ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसमें नॉकबैक करने में भूल गया था। ओए ओ स्पाइडर, ओ स्पीड 2, वाओ भाई ये क्या सही है, स्पीड 2 मिल चुका हम लोगों को फ्री का, देयर वी गो, फ्री का नहीं मतलब एमराल्ड लगे मेरे, हेलो मतलब मेरे भी नहीं लगे एक्चुअली, देखा मरते मरते भी तुम्हारे भाई ने जो ट्रेड लिया ना भाई से। तो गाइस यार चलो अपनी ओपी बो बनाते हैं आप, क्योंकि सीधी सी बात है व्हाई नॉट यार, हमारी इन्वेंटरी देख लो तुम लोग, इन्वेंटरी कितनी घेर रही है ये तीन बुके, तो हम लोग ये करने वाले हैं अपना एनविल मारते हैं, और एनविल में मस्त करके सारी की सारी बुकों को पहले जोड़ देते हैं, देयर वी गो। क्या ये खतरनाक बो बनी है, लाइक इतनी पावरफुल, ओ भाई वन शॉट वन किल वाली बो है भाई ये तो, बहुत ही ज्यादा सही भाई, पावर 10 कुछ ऐसा हल्की फुल्की चीज नहीं है भाई, वो देखो छोटू जा रहा है, छोटू जा रहा है, अरे यार बूम, छोटू खत्म हो चुका है, देख रहे हो। ओहो गाइस किसी को रोस्टेड ज़ॉम्बी चाहिए क्या, रोस्टेड ज़ॉम्बी ले लो, चलो अभी यहां से निकलते हैं हम लोग, अरे भाई अरे भाई, ओके मैं भूल गया था, ठीक है देयर वी गो, हमारी विच कहां गई भाई, वो यहीं कहीं पर थी, हम लोग को उससे भी ट्रेड करके देखना एक बारी वो हो रही, ठीक है तो हम लोग विच से ट्रेड करके देख लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या देती है विच एक्चुअल में, और पहले इनको मार देते हैं क्योंकि ये ना बीच में गारंटी, अरे दो मिनट, अरे स्लोनेस लगा दी बहन ने, दो मिनट रुक जा बस, तेरी मारू ना, एन्चेंटिंग टेबल, वाओ ओके ले लेते हैं, मतलब मेरे को चाहिए नहीं पर लेके रख लेते हैं, खुद को भी लग गई बेटे, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ खुद भी बुरे हो जाते, चलो बेटा चलो पोर्टल हो चुका है रेडी, लेट्स गो, प्लीज एक अच्छा स्पॉन देना प्लीज यार, हम लोगों को एंडर पर्ल्स की जरूरत नहीं है, तो अगर हम लोग किसी भी, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, अगर हम लोग किसी भी बस कैसे भी प्लीज यार नेदर फोर्ट्रेस के पास आए, ए तेरे से बढ़िया बो है मेरे पास, ठीक है वन शॉट वन, एक मिनट नहीं हुआ, ओके ठीक है मर गया, ठीक है ना कोई बात नहीं, थोड़ा देर में मरा पर मर तो गया ना, तो देखते हैं, और ओए एक मिनट गैस दिखी थी क्या यार, ये बहुत डेंजरस होने वाला है, बट गैस से ट्रेड लेके देखना है क्या,
देयर वी गो गाइस, गैस दिख तो रही है बट यार इसे ट्रेड करना बहुत नामुमकिन होने वाला है, बट मुझे लग रहा है कि भाई जितना मुश्किल होगा उतना ओपी भी होगा, राइट। और बाकी हम लोग अभी पिगलिन हॉगलिन सबसे ट्रेड लेके दे, वो देखो हॉगलिन दिख रहे हैं मेरे को, अभी मैं कूदने वाला था। ओ एक मिनट भाई, यार हमारे पास लिटरली अनगिनत मॉब्स है यहाँ पर, तो देखो ना स्ट्राइडर से भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, अरे हम लोग ये छोटू से भी तो ट्रेड ले सकते हैं, ये क्या देता है? ओके सर, ब्लॉक ऑफ गोल्ड दे रहा है भाई, लेकिन मुझे ब्लॉक ऑफ गोल्ड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है भाई, ये एक बहुत बढ़िया चीज थी। और वो देखो एक पिगलिन, अरे यार मुझे लेना, अरे भाई डरा दिया, अरे गोल्डन एप्पल दे रहे फ्री के, भाई तू क्या दे रहा है, रुक जा। ओ बढ़िया, कोई भी एरो वाला नहीं है ना, वरना तुम्हें मैं सटका देता अभी यहीं पे, रुक जाओ जरा, इनसे ट्रेड लेके देखते यहीं से चढ़ के, ठीक है। ओ भाई एंड्रोपोल्स और एरो ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन ये लोग गोल्ड से ट्रेड करते हैं यार, तो इसका मतलब कि मुझे बस जो जॉम्बी पिगलिन था उससे ट्रेड करना ही था यार। हट, इनको मैंने बांध दिया अंदर, बच्चा भी घुस गया अंदर, अब इस भैया से ट्रेड लेते फटाफट, ठीक है। ये मेरे को मार नहीं रहा है पर, अब फॉर सम ऑड रीजन ये बढ़िया है, मेरा दोस्त बन गया क्या, बढ़िया है भाई, दोस्त होता है ऐसे, देख रहा हूँ ये, हाँ मुँह में गुज्जा आदमी के, दोस्त बन गया तो भाई कोई धक्का ना मार दे एंड में यार, कोने में ले जाके। अरे भाई अभी तो दोस्ती नहीं मार रहा था, अरे अब मार रहा है, ओए ओ भाई हम लोग गाइस ऑलमोस्ट गिरने वाले थे। अच्छा भाई स्ट्राइडर के पास, ये सैडल वाला स्ट्राइडर था यहाँ पे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मेरे को वो भी दिखा देना कि वो ट्रेड क्या लेता है, भाई यार मैं मर जाऊंगा पता है इससे उतरते ही, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को हो रहा है कि मैं निकलू कैसे, मैंने कर तो दिया ये, अब मैं यहाँ से निकलू कैसे, ये स्ट्राइडर कहीं भी नहीं हिल रहा है ब्रो, मेरे को लावा में नहीं मरना है यार। एक मिनट, गोल्डन एप्पल, गोल्डन एप्पल वो देता है क्या, फायर रेजिस्टेंस नहीं यार, ये रीजन देता है, ठीक है अपनी एचपी जल्दी बढ़ेगी, राइट जाओ। मर गए भाई, गोल्डन एप्पल खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, गोल्डन एप्पल खाते जाओ, गोल्डन एप्पल खाते जाओ, बच, अरे कूद मत गधे, बच गए। अबे भाई ये क्या बदतमीजी है, ओके पहले खाओ गोल्डन एप्पल, ठीक है उसके बाद अपनी एचपी खुद ही बढ़ेगी। अरे यार मेरा कवर ब्लो मत कर भाई, भाग यहां से। गाइस हम लोग एक गैस के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, बट क्या हम लोग इसे ट्रेड कर पाएंगे, रुक जाओ प्लीज, नहीं 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 रुक जा, नहीं नहीं नहीं, फायरबॉल, एक मिनट फायरबॉल, एक मिनट रुक जा, रुक जा प्लीज, भाग मत भाग मत भाग मत मेरे से, ट्रेड कर ले इसे, ले ले, देयर वी गो। तो गाइज यार फाइनली मेरे को थोड़े बहुत जॉम्बी फाइट पिगलिन दिखे, इनसे हम लोग सबसे पहले जाके ट्रेड ले लेंगे, रुको जरा थोड़े से मेरे को ये दे दो, और इसके बदले में मेरे को देख रहे हो तुम लोग ब्लॉक दे दो गोल्ड के, ब्लॉक भाई मजाक हो रही है इन लोगों के लिए, बेड पहले अंदर रख दो, यहाँ बेड नहीं बजाना है बिल्कुल भी गलती से, और ये तो एरो एक ही में काम बन जाएगा। मेरे को एक बच्चा दिखा है जॉम्बी का, मतलब सॉरी पिगलिन का बच्चा दिखा है, लेट्स सी पिगलिन, भाई पिगलिन का बच्चा भी सेम ट्रेड करता है क्या, गॉड है यार ये भाई, यू आर टू गुड ब्रदर, बड़े होके तू एक अच्छा सुअर बनेगा, ला ले गया गोल्ड ले गया मेरा, देयर वी गो। इससे हम लोग एटलीस्ट एक स्टैक के बराबर का तो ले लेंगे यार, कहाँ गया वो, भाग गया वो, आ जा और ले ले, आ जा गोल्ड ले गोल्ड ले ही दे, अरे यार छोटा सा तो है ये, चढ़ पाता नहीं है कहीं अभी, देयर वी गो। एंटरपल्स रख लेते हैं हाथ पे जस्ट इन केस अगर हम लोग को एकदम से एमएलजी करने की जरूरत पड़ गई तो, भाई वो तो बहुत क्रेजी थी यार स्ट्राइडर वाली एमएलजी, बट अभी के लिए निकलते हैं और ढूंढते हैं स्ट्रॉन्ग गोल्ड भाई। तो गाइज हम लोगों को फाइनली फोर्ट्रेस मिल गया, लाइक किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग करेक्ट फोर्ट्रेस पे आए, बट एटलीस्ट हम लोग यार कहीं पर तो लाइक फोर्ट्रेस के बहुत ही ज्यादा क्लोज क्लोज आ गए यार। प्लीज डोंट डू दिस यार, आई डोंट हैव टाइम टू लाइक ऐसी बदतमीजी करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं, यू नो मेरे पास एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहे, लेकिन ठीक है। ओ भाई हम लोग करेक्ट स्पॉनर पे ही हो गए क्या, आगे क्या, हाँ स्पॉनर ऊपर शायद से, मे बी नहीं ऊपर स्पॉनर होता है क्या, हाँ होता है ना, क्यों नहीं होता है पहले चेक करते हैं, भाई मैं खुद से ही बातें कर जाता हूँ यार कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है। देयर वी गो, एक बार पहले टेस्ट करते हैं, प्लीज भी भागना मत भागना मत, ओके ये भी फायरबॉल देता है, नाइस है, अरे फायरबॉल मार तो मत ना यार, देता है तो, भाई कहाँ चले जा रहे हैं यार, इसको इस वाली स्वॉर्ड से मारना तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा मेरे लिए,
क्योंकि ये लोग बहुत दूर छटक जा रहे, तो मेरे को ना एक्स का यूज करना पड़ेगा या फिर बो का यूज करना पड़ेगा। लेट्स सी, देयर वी गो, एक्स का यूज चलेगा। ओए नहीं न न न न भाई मर जाएंगे पता है तुम्हें। ओ ये एरो ऑफ स्ट्रेंथ है गाइस, ये एक्चुअल में नहीं चाहिए था हमको। एरो ऑफ स्ट्रेंथ अगर मैं किसी के ऊपर मारूंगा तो उसकी स्ट्रेंथ 3 से बढ़ जाएगी, तुम समझ रहे हो। मैं गधा हूँ भाई, मैं भूल गया, मैंने कहा यार ये डैमेज वाला लगा मेरे को, मेरे को लगा एरो ऑफ डैमेज है, वो स्ट्रेंथ है भाई। अगर मैंने किसी को मारा ब्लेज ब्लेज को तो वो एक तरह से और पावरफुल हो जाएंगे, तुम समझ रहे हो। तो गाइज अपने पास 8 तो हो गई है, रुको जरा एक मिनट, इसका मैं स्पॉनर भी तोड़ ही देता हूँ, यहीं से निकलेंगे हम लोग वापस घर को। तो ये देखते हैं हमारे पास 8 हो चुकी है, देर वी गो 16, और हम लोग एक स्टैक कम से कम अपने लिए आई ऑफ एंडर बना सकते हैं, जिसमें हम लोग आराम से, देखो 4 में तो मैं ढूंढ ही लूंगा, नहीं तो मैक्स मैक्स 5 लग जाएगा, और एक ना एक तो लगा हुआ मिल ही जाएगा राइट। तो हम लोगों ने अभी तक ना विदर स्केलेटन से ट्रेड करके नहीं देखा, तो मैं सोच रहा हूँ विदर स्केलेटन से भी ट्रेड करके देख लेते हैं। पहले बस इसको मार दूं, मैं गंदा आदमी है। चलो पहले हम लोग जाके विदर स्केलेटन से भी थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं और देखते हैं कि वो क्या देता है भाई, कहीं पता चला विदर स्केलेटन कल दे रहा है अगर, तो आज हम लोग एक विदर भी मंगा सकते हैं भाई। ओए मैं बोलने वाला था हार्ड लग गाइस, हम लोगों को नहीं मिल रहे शायद से, वहीं रुक जाओ। अब इसे क्या मस्त चीज है भाई, इधर आ जा मेरे दोस्त, मेरा भाई तू मेरी जान है। 2-3 और बस हो गया, अब जाओ बेटा तुम, अब तुम्हें जहां जाना है जाओ, जिसके साथ भागना भागो, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। मिलते हैं तुम लोगों से अगली बार, अगली हफ्ते। चलो ये करते हैं, अब फटाफट से अपने पूरे आर्मर में ये लगा देते हैं, रुको जरा। तो गाइस यार हम लोग फाइनली वापस तो आ चुके हैं जहां पर से हम लोगों ने शुरू करा था, वहीं पर अब निकलते हैं भाई नेदर से। आई डोंट थिंक नेदर में हमारे लोग कुछ भी रखा हुआ है भाई। चलो अब निकलते हैं फटाफट से भाई सीधे ढूंढने के लिए एंडर ड्रैगन को। देयर वी गो इस साइड पे भाई, मेरे को सच्ची में देखना है अगर एंडर ड्रैगन ट्रेड करेगा भाई, मेरे को सच्ची में एक बार टेस्ट करना है कि एंडर ड्रैगन ट्रेड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर करेगा ना ब्रो तो बहुत मजा आने वाला है, तुम लोग देखो बस। तो गाइज यार मेरे को यहाँ पर एक केव दिखी और मेरे दिमाग में एक चीज आई, भाई हम लोगों ने अभी तक का बैट से ट्रेड नहीं लिया यार, हम लोग कैसे गधे हैं, हम लोगों ने लिटरली बैट से ट्रेड नहीं लिया हुआ है अभी तक का। मेरे को चाहिए भाई बैट, ठीक है मेरे को बैट लेके दो भाई, मतलब ऐसा हेलो वैसे वाला नहीं, ठीक है ना, एक बंदे ने बैट खा के कर दिया है काफी काम, वैसे कह रहा हूँ मैं कि बैट ट्रेड करवा दो थोड़ी बैट से, बैट हेलो भाई। अगर सच्ची में बहुत फनी होगा, ओए बैट दिखा, नहीं यार, बड़ी मुश्किल दिखा, बड़ी मुश्किल दिखा, चले जा, बढ़िया भाई रुक जाओ भाई। अगर ये बैट ने सच्ची में कोविड दे दिया तो, अगर मैंने इससे राइट क्लिक करा और इसने सच्ची में कोविड ही दे दिया तो बहुत बनी होगा, पर दे जिंदगी सवार दूं, एक नई लाइट रा दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो छोटा सा चिमगादड़ हूं, मैं नहीं वो, और हट जाए यहाँ से, चला जा। दोस्तों जिंदगी हो चुकी है सफल, मुझे लामा लूमा कुछ नहीं देखना है, अब मुझे लगाना है मेरा इलाइट्रा और ये रखना है अपने ऑफ हैंड में। कहाँ गए मेरे वो, कहाँ गए आइस, कहाँ गए, देयर वी गो गाइस, आइस आ चुके हैं। किस साइड को जाना था, इस साइड को जाना था, उल्टा आ रहा था इसका मतलब मैं एक तरह से, और वापस करोगे भाई, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, थैंक यू। ओके दोस्तों तो चलते हैं जरा इस एंगल पे, देयर वी गो, देख रहे हो तुम लोग, वाओ मैं जा रहा हूँ, तुम लोग आपस में लड़ मरो, ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे दोनों टांगों में एक एक इनने एरो मार दिए भाई, इनने सोचा कि मैं पैदल चल के नहीं जा पाऊंगा, पर इन्हें पता नहीं था कि मेरे पैर में मेरे पीठ में इलाइट रहती है, और मैं उड़ता हुआ चीरता हुआ जा रहा हूँ, देख रहा आसमानों को, जिंदगी सवार दूं, एक नई पुवार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा फिल्म टुम, आसमा कछुलू तितली बनुडू या इलाइट्रा, मैं हूँ एक प्यारा यूट्यूबर फिल्म टुम भाई। मेरे ख्याल से हम लोग आ गए, रुक जाओ एक और बार, अभी अपने 12 से ज्यादा ही है यार, अच्छा नहीं, अभी भी इधर को ले जा रहा थोड़ा सा,
भाई तो मेरा पुराना वाला तो वापिस कर दो, टूटा थोड़ी ना था वो। अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा? पहुंच चुके हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड में भाई, लेट्स गो। रुको लाइट लगा लेते हैं अभी के लिए। भाई अगर सीधे, भाई सोचो एक बार, मैं तो भाई मजाक भी नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मुझे सीधे लावा में गिरा दो, जो वो होता है ना पोर्टल, पोर्टल के लावा में गिरा दो मुझे, मेरे को दिक्कत ही नहीं है भाई। मेरे ख्याल से ये लावा की आवाज सही में पोर्टल की थी यार। सपने सुहाने लड़ गंदी सिल्वर फिश। एक मिनट रुको, इससे भी तो ट्रेड ले सकते हैं। अरे रुक जा बहन। विदर स्पॉन एक छे। अरे तू चली जाए यहां से, अब तोड़ो इसको भाई। भाई पहली बात तो ये कि ये क्या क्रेजी चीज थी जो हम लोगों ने लिटरली इसको ऐसे ढूंढ लिया, और दूसरी बात विदर स्केलेटन स्पॉन है सीरियसली ब्रो। भाई सुनो, हमको नीचे है भाई नेदरराइट। इधर आओ, ये लो, देख रहो। अबे सही में जल गया क्या? हाँ, नेदरराइट नहीं जलता ना। तो यस, हम लोगों को नहीं चाहिए नेदरराइट का सामान इसको हराने के लिए ब्रो। मे भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि इतने सारे विदर के स्पॉन एग्स ले जा रहा हूँ। बट लेट्स सी बॉयज, जो होगा देखा जाएगा। वो वाला एटीट्यूड लेके तुम्हारा भाई घुस रहा है अंदर, या फिर एक काम करते हैं, लाइब्रेरी ढूंढते हैं और उसके बाद यहाँ पर से अपना नेदरराइट का सामान बना लेते हैं। तो गाइज मेरे को लाइब्रेरी तो मिल गई। यस, यहाँ पर है प्लैंक्स, ढेर सारे प्लैंक्स, और मेरा वो कहाँ है, देयर वी गो, बस हो गया। ये लगा देंगे हम लोग ऐसे। अपने पास आयरन पड़ा ही था। ये रहा अपना स्मिथिंग टेबल, आ चुका है दोस्तों। तो पहले तो ये हम लोग उठा लेते वापस से। देखा भाई यार, मैंने डाल के डाला था, मैंने तुम्हारे पास टाइल मार रहा था यार, तुम्हें पता है, फ्लैक्स कर रहा था मैं, फ्लैक्स मैं कह रहा था। वामू देखो दोस्तों, तुम्हारे भाई के पास क्या है। ठीक है, और बाकी अपना पूरा आर्मर भी हम लोग नेदरराइट का कर देंगे। देयर वी गो, मस्त करके कवर मी डैमेज ब्रो, लेट्स गो। विदर जो बुलाएंगे ना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी के लिए लगाएंगे इलाइट्रा अपनी। अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा इलाइट्रा क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पहले सारे के सारे क्रिस्टल तोड़ने पड़ेंगे, राइट। तो चलो चलते हैं। आ रहा हूँ मैं, मेरे ड्रैगन, अरे मेरे ड्रैगन आ रहा हूँ मैं, फोड़ने सारे तेरे एंड क्रिस्टल, ड्रैगन वा आ रहा हूँ मैं, वा वा। There you go। थोड़ा सा ना अपने पास तोड़ने में डर लगता है। एक और बचा है, लास्ट वाला दोस्तों। क्यों ड्रैगन डर गया ना? फायर है मैं, फायर। देयर वी गो गाइस, अपना काम हो चुका है। अभी तो तू, ओए ओए, बहुत तेज बन रही है ड्रैगन, तुझे बताता हूँ मैं, रुक जा। पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग फ्लिंट एंड स्टील लगते हैं हाथ पे अपने, और यहाँ पर पूरा का पूरा। अरे ये क्या है भाई? ओ ये सुपर टीएनटी लगाती फटते क्या? अबे यार, अबे रुक तो जा ड्रैगन, तुझे ही मार। अच्छा तुझे मार रहा तो तू रुकेगा कहाँ? ओ मैं क्या है, आ जा वे ड्रैगन वा, मैं क्या है आज। अबे क्या गंदे हैं यार ये एंडरमैन। एक मिनट, एंडरमैन से नहीं, एंडरमैन हो दे रहा है वुडन की। भाई विदर की लड़ाई हो गई वहां एंडरमैन से, एंडर ड्रैगन से। वो देखो भाई, दो विदर इतनी हल्ला मचा रहे हैं। तो मैंने नहीं करा, मैंने तो खाली लॉन्डे बुलाए थे। तो भाई मेरी विदर की फौज पूरे ड्रैगन के पीछे पड़ गई, देख रहे हो तुम लोग, वो छोड़ ही नहीं रहे उसको भाई। व्हाट भाई, ने हार मान ली क्या? अभी मेरे पीछे तो नहीं आ जाएंगे ना? हाँ मारो, मर जाओ, मारो। बहुत परेशान कर रखा है इसने मेरे को, मारो इसको। ओ इसको टेस्ट करना था यार मैंने, ये वुडन हो है भाई। शार्पनेस एन्चेंटमेंट लेवल 1000 भाई, वुडन हो है। अब मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आ जाए भाई। ओ विदर ले आओ उसको नीचे यार, इनको मुझे मारना पड़ेगा भाई, तभी ये ड्रैगन नीचे आएगा। मुझे विदर पे ट्राई करना है एक्चुअली में उसको। भाई ड्रैगन मर गया,
गलती से ड्रैगन को लग गई विदर की जगह। पूरा गलती से ड्रैगन को लग गई विदर की जगह। भाई मुझे विदर भी मार के देखने, मोस्ट प्रॉब्ली विदर मर जाने चाहिए। भाई मैं एक वुडन हो से विदर मार रहा हूं वन शॉट। भाई जस्ट मैंने सोचा कि माइनक्राफ्ट वैसे ही बहुत अजीब हो रहा है, तभी हमें मिलती है एक डंडी जिसमें लगा हुआ है 1000 शार्पनेस और उससे मैंने 6 विदर और एक एंडर ड्रैगन मारा है वन शॉट। हो गया है मेरा भाई, हो गया है मेरा, रुक जा तो, हो गया है मेरा भाई, हो गया है मेरा। तो गाइज यार आज के वर्ल्ड में एंडर ड्रैगन को डिफीट करना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था, वो भी हमें खुद ही दे दिया उसने टूल। भाई तुम लोग बताना कि तुम्हें कौन सा फेवरेट मॉब लगा तुम्हारा, जो कि तुम लोगों को लगा सबसे खतरनाक और सबसे मजेदार आइटम जिसने दिया होगा। बाकी यार मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, सब्सक्राइब वाला बटन दबाए बिना कहीं मत जाना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।